हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दतिया में गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 3 बजे न्यू कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पेयजल की समस्या को लेकर सभागार में बैठक ली, जहां पर दतिया के सभी वार्डो के मेंबर उपस्थित रहे और उनके साथ में गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे और कई समस्याओं को रखा, जैसे बिजली, जल, सड़क जैसी समस्याओं को रखा। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि दतिया के साथ कोई भी समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, मुख्यतः जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भोदोलिया चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा युवा मोर्चा, जिला मंत्री कप्तान सिंह कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष सुमित यादव। दतिया से संगम कुशवाहा की रिपोर्ट। लगभग 94% के आसपास मतदाता रजिस्ट्रेशन और सारे वार्डो में लगभग हर दूसरे दिन पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, ये हमारी रिपोर्ट है जो हमारे प्रशासन की ओर से लेकिन पानी नहीं जाता है। ब्रह्मा के बाद क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं, गीता नगर में भी कहीं भी पानी नहीं जाता, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रही, बिजली भी खंभे लगे ही नहीं है, मेरे हो जाएगी तो मेरे पास भी काफी सारे लोग आ करके किसी का इलाज कराते हैं। जवाब आप दे मैडम, गर्मी में नहीं मिला जाता है, गाँव की आप लोग थे। अब मैं जनप्रतिनिधियों की तरफ 5 मिनट के लिए मुखातिब होऊंगा। दादा हमारे स्थिति काफी खराब है, आप ध्यान मिले मछली वालों ने तालाबों का पानी रोका। अगर ये पानी एक तो गंदा हो गया, दूसरा बारिश अभी आई नहीं है और लोग का हुआ, ऐसा ना हो एक हाथ बारिश तो कोई फट जाए या कुछ हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, बाढ़ के हालात बने 2 साल पहले, एक चक्कर तीनों चारों तालाब है। आपका हो गया कलेक्टर साहब को रिपोर्ट हो गया, मेरे ख्याल से अभी तालाब खोलना चाहिए। एक तो गंदा पानी जितना निकल सके निकल, पानी बरसने के पहले बंद कर दें, उससे साफ पानी आ जाएगा, ठीक व्यवस्था बन जाएगी। एक नाले चौक रहते हैं, उसका 3-4 दिन अभियान चलाना।